हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको तरह तरह की वीडियो के साथ अपडेट दे रहा हूँ, और आज मैं बात करता हूँ कोजेंट CSD 200 डिवाइस की, जो सभी के पास बेकार पड़ी है। आप इसका कैसे यूज़ करें, आप इसका क्या कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ CSD 200 की, ये लगभग सभी के पास पड़ी है बेकार, इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैं आज इसी डिवाइस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ, और आपको मैं स्पाइस मनी पे इसको चलाने के बारे में बताता हूँ कि स्पाइस मनी में आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर आ जाइए। गूगल क्रोम पर आने के बाद आपको जो है सर्च बार में CSD 200 RD सर्विस आपको टाइप कर देना है। RD सर्विस टाइप करने के बाद आपको आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसे आपको दो नंबर पेज पर चला जाना है। इस पर देखो, आपको दिख रहा होगा RD सर्विस। इस RD सर्विस आपको क्लिक कर देना है, और देखिए ये RD सर्विस की जो है कोजेंट डिवाइस की, जिस पर RD सर्विस है उस पर उस कंपनी के पास ये काफ़ी डिवाइसों की RD सर्विस है। आप जो है इनमें से किसी भी की RD सर्विस अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। आपको 3M कोजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, CSD 200 की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, CSD 200 की मैं बात कर रहा हूँ। आपके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड लिंक पर लगा दिया है, और मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया। देखिए स्पीड की स्पीड अच्छी होने के कारण मेरा सॉफ्टवेयर एकदम डाउनलोड हो गया है। आपको सो ऑल पर क्लिक कर देना है। सो ऑल पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड लिस्ट में आ जाएंगे, और डाउनलोड लिस्ट में आने के बाद सो इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है। और सो इन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर में सीधे आ चुके हैं, और आपको जो है इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फाइल हेयर कर देना है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा फाइल हेयर करेंगे, सॉरी आपको एक्स्ट्रा फाइल हेयर नहीं करना है, आपको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ये देखिए हमारे पास दूसरा फोल्डर आके बन चुका है, और आपको इस पर इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आपके सामने ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको तीन नंबर ऑप्शन पर PBRD सर्विस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आई एग्री कर देना है, और फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। और आपको यह करते करते समय आपको जो है डिवाइस को सिस्टम में नहीं लगाना है। डिवाइस मेरे पास रखी है, देखिए जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और मैं डिवाइस को इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद अब मैं आपको स्पाइस मनी पर वर्क करके दिखाता हूँ कि आप स्पाइस मनी पर इसके कैसे वर्क करें। हालांकि मैं जानता हूँ सभी रिटेलर के पास या सभी वैली भाइयों के पास तरह तरह की डिवाइस हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको एक डिवाइस शायद आपको एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि इस डिवाइस का कोई यूज़ नहीं कर रहा है। देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिस्टम में डिवाइस को इंसर्ट कर देना है। देखिए मैं सिस्टम में अपने लैपटॉप में डिवाइस को लगा रहा हूँ, और डिवाइस लगाने के बाद यहाँ पर मैसेज शो करता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैसेज को शो करेगा, डिवाइस कनेक्टेड प्लीज वेट टू सम टाइम। इस तरीके से एक मैसेज आएगा, और मैसेज आने के बाद आप देखिए मेरे पास तुरंत से दो मैसेज आ गए हैं, PBCSD 200 डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और PB ये देखिए ऊपर डिवाइसेस यूज रेडी टू यूज़। आपको यह करने के बाद अगर फिर आपको जो है कंप्यूटर में चले जाना है, जिस कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में जाना है आपको। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम्स फाइल्स 86 में चला जाना है। 86 में जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक वाला फोल्डर शो कर रहा है स्क्रीन पर, आपको इस पर इस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको PBRD सर्विस में चले जाना है। मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आपको टेस्टिंग कैसे करनी है डिवाइस की। PBRD सर्विस में जैसे आप चले जाएंगे, तो ये देखिए ये लिंक है, इसे आप चाहें तो क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में खोल सकते हैं। मैं आपको गूगल क्रोम में खोल के बता रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको गूगल क्रोम में खोल लेना है। गूगल क्रोम में खोलने के बाद आपको जो है डिस्कवर्ड RD सर्विस पर क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखिए प्रेसेंस RD सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुल, और आप देख रहे हैं कि डिवाइस इज रेडी टू कैप्चर। आपको डिवाइस
रेडी करने के बाद आपको कैप्चर कर देना है। जैसे आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिवाइस मेरी रेडी हो चुकी है और मैं इस पर फिंगर लगा रहा हूँ। मैं शायद आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि मैंने फिंगर कैप्चर किया और फिंगर मेरा सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद ये देखिए डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है। अगर मैं कैप्चर नहीं करता तो डिवाइस की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आती। और RD सर्विस का वर्जन जो है 1.2.3 है, ये RD सर्विस का वर्जन है और इसी के अंदर डिवाइस का सीरियल नंबर भी शो कर रहा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फिनो पे, उसकी स्पाइस मनी के पेज पर। आपको यहाँ से प्लस कर लेना है और मैंने स्पाइस मनी का जो है लिंक सेव कर रखा है B2B पोर्टल फॉर एजेंट्स, इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपनी एजेंट आईडी और आईडी पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप, और ये मेरी आईडी सर क्या कहते हैं आईडी है और मेरा ये पासवर्ड है जो मैंने सेव कर रखा है गूगल क्रोम में, और आपको इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात ये मेरे पास OTP आएगा और ये नंबर मेरा बंद है। अब मैं OTP कैसे लेता हूँ, देखिए OTP लेने के लिए मैं अपने नंबर को जो है फिर से चालू करता हूँ। चालू करने के पश्चात जो है मैं OTP इसमें सबमिट कर देता हूँ। स्पाइस मनी से मेरे पास OTP आएगा और स्पाइस मनी की ये सर्विस बढ़िया है कि ये फिंगर से लॉगिन नहीं होता है। फिंगर से अगर लॉगिन होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ये देखिए मेरे पास OTP आ चुका है 54, OTP मैंने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद ये देखिए स्पाइस मनी की आईडी लॉगिन हो चुकी है। लॉगिन और ये कुछ इनके एड्स आते हैं, एड्स को काट देते हैं। KYC के लिए आ रहा है जैसे कि, और प्रोफाइल मेरी कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैं इसे अधिक यूज़ नहीं करता हूँ। आपको AEPS पे चले जाना है। AEPS पे जाने के बाद आपको बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट, और यहाँ ध्यान रहे आप यहाँ पर मंत्रा डिवाइस या कोई भी डिवाइस सिलेक्ट कर लें और आपको CSD 200 पर आपकी जो है वर्क करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने मंत्रा डिवाइस शो करी और मोबाइल नंबर के लिए मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ ऐसे ही, और मैं अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर रहा हूँ और मैं बैंक सुन चुनता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैंने इसमें मंत्रा डिवाइस सिलेक्ट की है और मैं मिनी स्टेटमेंट देख रहा हूँ। और मैं जैसे ही कैप्चर पर क्लिक करता हूँ और मेरे मशीन में देखिए लाइट जल चुकी है, और मैं अपना फिंगर जैसे ही इस पर रखता हूँ ये तुरंत से कैप्चर कर लेती है। ये देखिए यूज़र इज़ अनअवेलेबल सिलेक्टेड बैंक टू डाउनलोड, ये बैंक की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। मैं पंजाब नेशनल बैंक पर जाता हूँ, अपना आधार नंबर फिर से एंटर करता हूँ और मिनी स्टेटमेंट इसमें जाके चुनता हूँ। मिनी स्टेटमेंट चुनने के बाद अब मैं बैंक सिलेक्ट करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, और देखिए आप मंत्रा है यहाँ पर, और आपको डिवाइस जो है प्रेजेंस भी कर लेंगे, ये RD सर्विसेज कंपनी पर है। मोबाइल नंबर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं स्कैन फिंगर टू सबमिट पर क्लिक करता हूँ और डिवाइस जो है मेरी रेडी हो जाती है, और मैं जैसे ही इस पर फिंगर अपना लगाता हूँ तो देखिए मैं पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल देख रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि मेरा स्टेटमेंट जो है ओपन हो चुका है। मेरे खाते में इस टाइम 1,035 रुपये 62 पैसे हैं। मैं इस खाते को बहुत कम यूज़ करता हूँ और आधार नंबर कस्टमर का ये है। आप बड़ी ही आसानी से CSD 200 को स्पाइस मनी पर यूज़ कर सकते हैं, और स्पाइस मनी के साथ साथ मैंने अभी इसे दूसरी चीज़ों में यूज़ करके नहीं देखा। हालांकि हाँ, मैंने जो है इसे स्पाइस मनी पर यूज़ किया है और बहुत अच्छे से यह वर्क कर रही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।